हाँ जी सर, अपना नाम दस के अज जो इकट्ठ किया कद लिख दिया वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। दास भाई सुखीम सिंह जी जिला की दरबार साहब सारे समुचे साढ़े श्रोमणी अकाली सभा श्री दरबार साहब के समुचे कीर्तनी अज असी एकत्रता की है। अज असी जोड़ा अपना सारे अपन पता आप देखते हैं कि किसान संघर्ष जोड़ा चल रहा है, किसानी पर जोड़ा शदद हो रहा, जोड़ा दबाव बनया सरकार का पिछले कुछ समा पहला भी किन्नी जदोजहद नाल किन्ना संघर्ष करके किन्ना लंबा समा किन्ना जानी ते माली नुकसान किसान वीरां दा होया अते किन्नी जदोजहद नाल केंद्र सरकार को बिल जिहड़े आ रद्द करवाए सी। सरकार ने वादा कीता सी मोदी सरकार ने कि असीं ये बिल रद्द कर दी ते किसान अपने उत्थों जिहड़ा मोर्चा चलिया सी बहुत लंबा समा ते किसान अपने घरां नूं आ गए सी, पर केंद्र सरकार ने जिहड़ा वादा करके उन्हां तों जिहड़ा उन्हां दा मुकरना वो बहुत मंदभागा। तो किसानी जिहड़ी आ बहुत जिहड़ी आ करड़ी किसान की तपस्या वा, एक किसानी जिहड़ी आ वो एक आम किते वांग नहीं है, कल्ला रुजगार नहीं है। किसानी जिहड़ी आ वो साडा जिहड़ा अनाज आ साडा जीवन उत्ते निर्भर करदा, वो एक किसान की जिहड़ी बहुत वड्डी मशक्कत आ कि बहुत थोड़ा उहदे विच उहनू लाभ आ ते किसान जिहड़ा वा वो साडा सारिआं दा सारे संसार का अनाज दे नाल ढिड भरदा, बड़ी मशक्कत दे नाल वो अपनी वो किरत विरत करदा। ये किसान की जिहड़ी होंद आ कल्ली किसानी खेती का जिहड़ा व्यापार करके नहीं, किसान की जिहड़ी होंद आ उहनू खतरा, क्योंकि केंद्र सरकार ने जिहड़े ये बिल थोपे ने वो देखो कोई भी बंदा कोई भी काम कार करता अपना कोई बिजनेस करता तो उसका रेट अपना होंगे, आप जाके पूछते हैं कि ये चीज़ सानू तुसीं किन्ने नूं दोगे तो अपना रेट कहेगा, पर किसी की इन्नी की जिहड़ी मेहनत आ सब तो औखी आ खेती किसानी करनी। जिहड़े किसान भीर ने जिहड़े किसानी नाल जुड़े ने उन्हां नूं पता है कि वो किन्ना औखा तो किन्ना मुशक्कत वाला काम है, पर उहदे ते कोई अपना जिहड़ा रेट अपना जिहड़ा रेट तय करके उहदे ते लागू कर देना ये एक बहुत वड्डी बेइंसाफी है। तो मैं ये भी बेनती करूँगा कि कल्ला किसान का ही मुद्दा नहीं है तो किसानों ने ये एकजुट होना चाहिए, सगों कोई भी जिहड़े भी व्यापार नाल जुड़िया इहदा जिहड़ा असर आ, क्योंकि जे खेती अपने थले जाती डाउन जाती है तो सारे ही जिहड़ा जिहड़ा साडा बाजार है साडी मार्केट है सारिआं ते असर पैंदा। सानूं सारिआं नूं चाहीदा है कि किसान वीरां दा डट के साथ देना चाहीदा है। तो जिहड़े किसान पंजाब दे ने चाहे हरियाणे दे ने जिन्हां ते खास करके ये जिहड़ा वा बेइंसाफी जिन्हां नाल हो रही है, जिहड़े पूरे भारत दे किसान ने सारिआं नूं उन्हां दे नाल खड़ना चाहीदा। तो दूसरा जिहड़ा इस जद्दोजहद दे विच जिहड़ा जानी माली नुकसान हो रहा, पिछले संघर्ष विच भी किन्ने किसानां दी जान गई किन्ना उन्हां दा माली नुकसान होया, हुण भी आपां हुणे हुणे साडे वीर शुभ करम सिंह जिहड़े चढ़ाई कर गए ने असीं उन्हां वास्ते अरदास भी करदे सच्चे पातशाह जी चरणा च निवास बख्शो। तो सारे ये बेनती है कि डट के इन्हों किसान वीर का साथ देना चाहिए, सारियां दर्द रखना चाहिए, जिते सारे ही बहुत उन्होंने दर्द रख रहे हैं। अज श्री दरबार साहब के हजूरी कीर्तनिए जोड़े है समुचे इतने पहुंचे ने कुछ सिंह साढ़े ड्यूटियां जो सारे का एकत्र होना संभव नहीं होंगे एक टाइम पर, पर सारे ही असं श्रोमणी अकाली सभा श्री दरबार साहब सतखंड श्री हरिमंदर साहब वालों सारे ही कीर्तनी सिंह जोड़े आ असं ये सरकार की सख्त शब्दों की निखेधी करते हैं कि उन्होंने अपने जिहड़े कीते वादे ही उन्होंने पूरा करना चाहिए। मंशा की लगते थानू सेंटर सरकार दी? जी सर, अपने बारे दस के प्रदर्शन चल रहा किसानों का की कहोगे उन्होंने बारे? वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। दास भाई जोगिंदर सिंह जी जिवें कि साढ़े राज्य सभा के प्रधान साहब भाई साहब भाई सुखीम सिंह दसिया, तो मैं थोड़े लफ्जों में बेनती कराँगा कि सानू सारियां किसान से बोलने का समर्थन करना चाहिए और साडे समूह परिवार साहब के कोई भी सारे देश विदेश बैठे राज्य सिंह किसान अंदोलन का समर्थन करते हैं और जो सरकार ने कायरता दिखाई है जो बहुत गलत कार्रवाई की वो ये निखेधी करते हैं और अरदास करते हैं सारे गुरु साहब कृपा कर इस अंदोलन को जित बख्शन और ये सानू यकीन है कि पंजाब अजे तक कभी हारिया ही नहीं जितता है क्योंकि पंजाब से बख्शिश आ रहमत है गुरुआ पीर की। सो सतगुरु की रहमत करन सही सारे किस्मत हो गए तो इस अंदोलन का समर्थन करिए आने वाले समय के सरकारों को पता लग जाए
बहुत मंदनयोग है। सो सतगुरु जी रहमत कर उन्होंने समाप्त बख्शन और असी समूह राजी सिंह जोड़े आ किसानी अंदोलन का जलों हिमायत करते हैं और उन्होंने नाल खड़े हाँ खड़े रहेंगे और अरदास भी करते हैं सुखकरण सिंह जी सतगुरु उन्होंने भी अपने चरणों के निवास बख्शन। सो इस करके सारे किसानों देश के सारे किसानों को बेनती है आओ रल के जो ये असली हल्ला ला पा रहा हांजी भाजी अपना नाम दस। मेरा नाम जी भाई रणजीत सिंह रूरी राजी श्री दरबार साहब। मंशा सरकार की सारे स्पष्ट है कि संविधानिक तौर पर हर एक अधिकार हों कि वह अपने हकों के लिए अपने अधिकारों के लिए शांतमई जोड़ा वो प्रदर्शन कर सकता है धरना दे सकता है रोस जोड़ा वो कर सकता है पर जोड़ा सरकार वालों तानाशाही रवैया अपनाया गया वो बहुत ही मंदभागा है। ये मौलिक अधिकार की जी है वो उलंघना है मनुखी अधिकार की उलंघना है जी सरकार कर रही है तो अपने ही देश के नागरिकों से पैलट गन्ना के नाल गोलीबारी करनी तो जोड़े हथियार जोड़े जोड़े पाबंदीशुदा ने उन्हों की वरतों करके तो इस रोस प्रदर्शन जोड़ा है वो अनमनुखी तरीके दे नाल खत्म करने की कोशिश करना सरकार वालों ये बहुत ही निंदनयोग है। तो ये असी कहना चाहवांगे अपने सारे ही समुचे ही भाईचारे नूं जिन्ना भी किसानी दे नाल संबंधित है व्यापार दे नाल संबंधित है कि सानू सारे नूं एकजुट होना चाहिए क्योंकि जिवें भाई साहब जी ने दस्सिया कि किसानी केवल किसान नाल जुड़िया होया जिहड़ा है वह किता नहीं है किसानी जिहड़ी वो साडे देश की जिहड़ी वो रीढ़ दी हड्डी है वो आर्थिकता जिहड़ी है किसानी जिहड़ी है वो उपर लैके जाती है तो जे किसानी थले चली जाए तो आर्थिकता जिहड़ा वड्डा धक्का लगता है। सो सरकार नूं चाहिए कि MSP जिहड़ा मुख मुद्दा है इस बार MSP नूं जरूर लागू करना चाहिए क्योंकि किसान बड़ी मेहनत करके बड़ा खर्चा करके बड़िया महंगा मशीनां खरीद के इन्हां फसलों नूं पालदा है तो जेकर उन्हूं उहदा मुल ही पूरा नहीं मिलता तो बड़ी मंदभागी गल हुंदी है कि क्योंकि जिसकी मेहनत का उन्हूं मुल ना मिले तो वह अपने परिवार का पालन पोषण जिहड़ा है उहदे लई मुश्किल हो जाता है। सो किसान दे नाल जिन्ने भी जुड़े मुद्दे ने सरकार नूं छेती तो छेती इन्हां दा हल करना चाहिए तो सानूं सारयां नूं सारे ये कहना चाहिए कि असी सारे ही किसानी के नाल जुड़े हुए हैं जिन्हें भी व्यापारी ने जिन्हें भी लोग ने ट्रांसपोर्टर ने वो फसल लैके इधर उधर जाते हैं सारे ही किसानी के नाल जुड़े ने तो सानू सारे इस प्रदर्शन का इस धरने का जोड़ा है ये हकी मंगा का जोड़ा है वो जायज़ ढंग के नाल समर्थन करना चाहिए तो उन्होंने नाल खड़ी होना चाहिए।